हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज है थर्सडे और टाइम हो रही है शाम का 5:30 और आप लोग देख सकते हैं बेड का जो हालत है कितना ज़्यादा ख़राब है। ये मुझे सुबह करना था बट मैं अभी कर रही हूँ क्योंकि तबीयत जो है बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। तबीयत जो है आजकल कोल्ड और खांसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता है क्लाइमेट की वजह से। तो एंजल को थोड़ा सा जो कोल्ड खांसी है वो सब उसका ठीक हो गया बट मुझे फिर से हो गई है। तो दिन भर थोड़ा सा फ्रेश नहीं हो पा रही थी और मूड को भी फ्रेश नहीं कर पाई थी क्योंकि तबीयत जब आपका साथ नहीं देता है तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है और ख़ुद को बहुत ज़्यादा लेजी भी लगता है। तो इसकी वजह से मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। सुबह जो भी झाड़ू था वो ही किया था। मोपिंग आजकल मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि हम लोग नीचे ही चल फिरते हैं तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी लगता है। अगर मैं हर दिन मोपिंग करूँगी तो वो जो फ्लोर का टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा और इसकी वजह से कोल्ड लगने का चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से 2 दिन में 1 बार या 3 दिन में 1 बार मैं मोपिंग करती हूँ। तो आज बेडशीट को चेंज करना था क्योंकि कोल्ड और खांसी बुखार ये सब हो जाने के बाद बेडशीट को हमेशा चेंज करना पड़ता है। तो सुबह मैंने नहीं किया था तो अभी कर रही हूँ। अभी हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं और एंजल और हस्बैंड दोनों मिलके बाप और बेटी जो बालकनी में एंजॉय कर रहे हैं वो अपना चाय पी रहे हैं और ये अपना बक बक कर रही है क्योंकि एंजल आजकल बहुत कुछ बोलती है तो कुछ ना कुछ वो बोलती रहती है तो उसको बातें सुनने के लिए एक जन उसके पास ही बैठना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे बेड को ठीक करने के बाद मैं एंजल को बेड को भी ठीक कर देती हूँ। जब मैं अपना बेड का बेडशीट चेंज करती हूँ तभी मैं एंजल का बेडशीट मीन्स बेड का भी बेडशीट चेंज कर लेती हूँ क्योंकि उसका तो हमेशा चेंज रहता ही है क्योंकि 1 दिन में या 2 दिन में मैं उसका चेंज कर देती हूँ बट हम लोगों का हफ्ते में 2 बार या कभी कभी 4-5 दिन भी हो जाता है। तो ये सब काम करने के बाद मैं जो भी बेडरूम में छोटा मोटा जो कपड़े पड़ा हुआ है उसको भी ठीक कर दूँगी। बेडरूम का काम ख़त्म करने के बाद मैं डायरेक्टली एंजल को लेकर यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। हस्बैंड गए हैं दूध लाने के लिए क्योंकि एंजल अकेली थी तो उसको वजह से यहाँ पर उसके साथ ही काम करना पड़ रहा है। जब मैं हमेशा किचन में होती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो काउंटर टॉप के ऊपर बैठे। तो अभी गैस ऑन नहीं था तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर जो है उसको बिठा दिया है। तो आज मैं डिनर में बनाऊँगी राजमा। तो राजमा के लिए मसाले कुछ प्रिपेयर करूँगी। तो ये जो राजमा है मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। तो आज का जो रेसिपी है वो राजमा एंड चावल है और यहाँ पर जो भी मसाले वगैरह होता है वो मैं बेसिक यूज़ करूँगी, जिस तरह से जिंजर गार्लिक और ओनियन और टमाटर को एक साथ ही पीस लूँगी। और एंजल यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर मैं उसको पील करके देती हूँ प्याज तो वो बिल्कुल भी नहीं हाथों में उठाती है बट अगर जो छिलके के साथ अगर प्याज वगैरह देती हूँ या कुछ और देती हूँ छिलका उतारने के लिए तो वो हमेशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि छिलका उतारने के लिए क्योंकि वो कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देती है। आजकल मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है वो हमेशा अपने कुकिंग टॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा खेलती है। अगर आपके बच्चे भी इस तरह से करती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ये देखने के बाद ना अपना बचपन बहुत ज़्यादा याद आता है कि हम लोग भी बचपन में इस तरह से करते थे। मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कुकिंग में तो इसकी वजह से मेरे पास भी बहुत ज़्यादा बचपन में कुकिंग टॉयज़ था। मैं मिट्टी के साथ बहुत सारे कुकिंग टॉयज बनाकर अपने गांव में बहुत खेला है और कभी अगर हो सके तो मैं अपना जो कुकिंग टॉयज का पिक्स आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो सारे मसाले को मैंने ऑलरेडी पीस कर रखा है तो मसाला मेरा रेडी है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट प्रोसेस है मेरा राजमा बनाना। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है और काफ़ी ज़्यादा वेदर जो है ख़राब है तो इसकी वजह से आजकल मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो नॉर्मल जो सनफ्लावर ऑयल है या नॉर्मल कुकिंग ऑयल है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसके साथ एक बेलीफ डाल रही हूँ और 1 इंच का दालचीनी डाल रही हूँ
और बे लीव्स यहाँ पर ऑप्शनल है, किसी किसी को बे लीव्स का जो फ्लेवर है वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है कुछ लोगों को, तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक बे लीव्स लिया है और 1 इंच का दालचीनी लिया है, उसके साथ मैं डाल रही हूँ बहुत सारे जीरा। जीरा मैं बहुत ज़्यादा डालना प्रेफर करती हूँ क्योंकि जीरा डाइजेस्ट में भी हेल्प करता है, और इसके साथ जो एक गर्म मसाला की जो एक फ्लेवर होता है वो उठ के आता है, तो इसकी वजह से जीरा मैंने डाला है बहुत सारा। और जीरा डालने के बाद मैं क्या करूँगी, जो मसाले पीस के मैंने रखा था उसको डाल रही हूँ, और ये मसाला जो है ये नॉर्मली जो बेसिक मसाला है जिस तरह से मैंने बताया था, जिंजर गार्लिक ओनियन और टमाटर को मैंने एक साथ ही पीस लिया था। आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, जिस तरह से पहले स्टेप में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा भूनने के बाद प्याज डाल सकते हैं, और उसको भी थोड़ा सा भूनने के बाद टमाटर पेस्ट ऐड कर सकते हैं। बट प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसकी वजह से मैंने एक साथ ही डाला है, क्योंकि प्रेशर कुकर में जब आप मसाला वगैरह कुछ करी वगैरह बनाते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पक जाता है, और जो कच्ची स्मेल है मसाले की वो बिल्कुल भी नहीं रहती है, तो इसकी वजह से मैंने एक साथ मसाला को पीस लिया है। तो अभी उसको अच्छे से चलाती रहूँगी। अभी मैं सारा मसाला जो है ड्राई स्पाइसेस जितना भी है उसको डाल रही हूँ। यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून के करीब यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर धनिया पाउडर डाल रही हूँ। उसके साथ में डालूंगी चिकन मसाला, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो नॉर्मली गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो राजमा मसाला भी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलता है, बट मैंने उसको कभी भी ट्राई नहीं किया है। तो अगर राजमा मसाला का रिव्यू बहुत अच्छा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैंने नेक्स्ट टाइम मसाले खरीदने के टाइम पर लाऊंगी और ट्राई करूंगी और देखूंगी उसका टेस्ट किस तरह से आता है। और यहाँ पर चिकन मसाला भी डाल दिया है, तो अच्छे से उसको भून लूंगी, और आप लोग देख सकते हैं जो टमाटर और ओनियन का जो पेस्ट था वो अच्छे से पक गई है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। अभी मैं क्या करूँगी, ये राजमा और आलू को अच्छे से धो के रखा था, यहाँ पर आलू भी ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये जो राजमा है ये स्मॉल राजमा है, और ये जो स्मॉल वाला रेड बीन्स होता है वो खाने के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, मुझे तो लगता है जो नॉर्मली जो राजमा होता है उससे भी टेस्ट में बहुत ज़्यादा ये बेटर होता है। तो ये मैंने डीमार्ट से लाया था, ग्रोसरी शॉपिंग में आप लोगों ने देखा होगा, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे टेस्ट में, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है एक छोटा सा आलू को पील करके डाल रही हूँ ताकि उसका जो ग्रेवी है थोड़ा सा ठीक आए, और उसके बाद में उसको 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में चलाती रहूँगी ताकि जो जितना भी राजमा का जो पानी वगैरह है वो सब थोड़ा सा सूख जाए और मसाले के साथ ही अच्छे से कोट हो जाए। साइड बाई साइड में यहाँ पर नूडल्स इसलिए बॉईल कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों का थोड़ा सा मन था नूडल्स खाने के लिए, हस्बैंड और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नूडल्स, तो हमेशा मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से नूडल्स बनाना पसंद करती हूँ। डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ नूडल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर आप नहीं चेक किया है तो प्लीज़ मेरा डेली ब्लॉग्स देखा कीजिए, हर हर एक ब्लॉग में मैं अपना जो कुकिंग को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ट्राई करती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि मैं हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा कुकिंग करती हूँ, मुझे तो इस तरह से नहीं लगता है, बट आप लोगों का जो कमेंट जब पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, मुझे भी थोड़ा सा और नया नया कुछ रेसिपी ट्राई करने के लिए अच्छा लगता है, और काफ़ी ज़्यादा मैं मोटिवेट भी हो जाती हूँ, और नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ पक्का एक नया रेसिपी लेके आती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने राजमा में पानी चढ़ा दिया है, स्वाद के अनुसार नमक चढ़ा दिया है, और उसके साथ मैंने ऐड कर दिया है सीटी, और अभी उसको 3 सीटी तक मीडियम फ्लेम में पकाऊंगी 10 to 15 मिनट्स के लिए। 10 to 15 मिनट्स के अंदर ये पक जाता है क्योंकि राजमा जो है वो छोटा सा है तो इसकी वजह से इजीली वो पक जाता है। यहाँ पे नूडल्स भी ऑलरेडी सॉफ्ट हो गई है तो अभी मैं इसको छान कर अच्छे से निकाल लूँगी।
तो यहाँ पर जब तक राजमा बॉयल हो रहा था, नूडल्स बॉयल हो रहा था, एक बर्नर मेरा खाली पड़ा था, तो इसकी वजह से मैं बनाऊंगी जीरा राइस, क्योंकि राजमा के साथ चावल ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और स्पेशली जीरा राइस अगर होता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दाल मैंने आज नहीं बनाया है क्योंकि राजमा के साथ चावल ही खाना था, तो यहाँ पर जीरा राइस बनाऊँगी और प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। जब मैं प्रेशर कुकर में हमेशा कुछ राइस वगैरह आइटम बनाती हूँ तो आप लोगों का कंप्लेन रहता है कि मैं मीन्स मेजरमेंट किस तरह से रहती हूँ, तो चावल का और पानी का जो मेजरमेंट होता है प्रेशर कुकर में हमेशा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा या कम हो जाता है तो चावल जो है ठीक से नहीं बनता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, वो अच्छे से नहीं पकता है, और कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से चावल और पानी का जो मेजरमेंट है हमेशा करेक्ट रखें। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जो जीरा राइस है मैं बटर के साथ बना रही हूँ। आप लोग हमेशा नोटिस किया होगा कि बटर के साथ जो चीज़ें बनता है वो बहुत ज़्यादा मीन्स टेस्टी लगता है, तो हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कुछ इस तरह से जो रिच वाला कुछ टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा बटर ऐड कर देती हूँ, तो उसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने बटर डाला है, बटर के साथ डाल रही हूँ बहुत सारा जीरा। जीरा राइस है तो जीरा तो डालना मस्ट है, तो आपको जितना जीरा चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। बहुत सारा अगर जीरा डालेंगे तो चावल का जो कलर है उसी हिसाब से आएगा और साथ ही साथ उसका टेस्ट भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर एक बार जीरा डालने के बाद मैंने काजू को जो है लिया है, 10 से 12 काजू लिया है और उसको बीच से स्प्लिट कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पास होल काजू था, तो होल काजू जब आप डालते हो ना तो पूरा अंदर के साथ ये अच्छे से नहीं फ्राई होता है और थोड़ा सा क्रंचीनेस नहीं रहता है, और इसकी वजह से मैंने इसको स्प्लिट करके डाल रही हूँ। और बस ये ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल है, कुछ कुछ लोग जो है काजू को स्किप करते हैं, बट मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ अगर जीरा राइस होता है तो काजू और करी लीव्स मस्ट है, बट यहाँ पर मैं कुकर में बना रही हूँ जीरा राइस, तो इसकी वजह से करी लीव्स को स्किप कर रही हूँ। तो यहाँ पर काजू भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अभी मैं बासमती राइस यहाँ पर लिया है और 1 कप बासमती राइस लिया है, तो यहाँ पर मैं 2.5 कप डालूंगी, क्योंकि ये जो बासमती राइस है मैंने पहले सोख करके नहीं रखा था। अगर आप चावल को सोख करके पहले से रखेंगे तो उसका जो पानी का क्वांटिटी है वो थोड़ा सा आपको कम चाहिए। अगर आप फ्रेशली धो के ही चावल को यूज़ करते हो तो उसका जो क्वांटिटी मीन्स पानी का जो क्वांटिटी है आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। ये जो बासमती राइस में हमेशा मैं 2 से 2.5 ग्लास ही पानी देती हूँ, क्योंकि ये जो चावल है पकने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ये हम लोग पतंजलि का एक तीबर राइस आई थिंक ट्राई कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेता है। अगर कम में पानी देती हूँ तो थोड़ा सा जो चावल है वो हार्ड हो जाता है नॉर्मली कुकर में, और अगर आप नॉर्मली जो दावत का या फॉर्चून का बासमती राइस यूज़ करेंगे तो उसमें से आप 1.5 से 2 ग्लास तक पानी दे सकते हैं। अगर आप सोख करके रखते हो तो 1.5 ग्लास में हो जाता है। अगर आप फ्रेशली चावल को धोके यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से आप जो है 2 ग्लास पानी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर इस कप के साथ मेजर करके लिया था, तो इससे ही मैं पानी डाल रही हूँ, तो 2.5 कप के करीबन पानी डाला है। उसके बाद मैं एक बार मिक्स कर दूँगी, नमक डाल दूँगी और हाई फ्लेम में 1 सीटी आने तक पकाऊँगी। हमेशा ध्यान रखिए जब 1 सीटी हो जाएगा तब जो है चावल जो है रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा जो डिनर है वो पूरा तैयार है, अभी 1 सीटी आने के लिए बाकी है, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि जो बाकी जो प्रोसेस है वो भी मैं कर लेती हूँ। तो कल मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट में इडली, तो इडली जब मैं बनाया था 3-4 प्रीवियस ब्लॉग में मीन्स हो गया है, मैंने आई थिंक प्रीवियस वीक में आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो सूजी का इडली था मीन्स रावा इडली था, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुझे पूछ रहे थे कि मैं रावा इडली किस तरह से बनाती हूँ, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं मेजर करके लेती हूँ। तो यहाँ पर मूंग को मैंने भिगो के रखा है, 1 मूंग को रखा है स्प्राउट के लिए और दूसरे जो बाउल्स में मूंग रखा है वो मूंग छिला के लिए, क्योंकि हमेशा ब्रेकफास्ट अगर इस तरह से अगर आप प्रिफर करके रखते हो
फ्रीज में तो हमेशा हैंडी रहता है और काफ़ी ज़्यादा खाने के लिए भी मन होता है। अगर ब्रेकफास्ट के लिए कुछ भी नहीं होता है तो मैं हमेशा ब्रेड खाने के लिए प्रिफर करती हूँ, जो कि बिल्कुल भी इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमेशा ब्रेड खाओ ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट अगर ग्रीन वाला इस तरह से ब्रेकफास्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी रहना चाहिए। ब्रेकफास्ट को मैं पहले थोड़ा सा स्किप कर दी थी, तो इसकी वजह से वेट लूज होने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। तो हमेशा ब्रेकफास्ट ही होता है जो आपकी डाइट में हमेशा जो बैलेंस को मेंटेन करता है। तो यहाँ पर मैंने उड़द दाल भी ले लिया है। उड़द दाल आप लोग देख सकते हैं, ये एक स्टील का बाउल था, उससे मैं मेजर करके ले रही हूँ। और 1 कप अगर उड़द दाल आप डालते हो तो उसमें से सॉफ्ट होने के लिए आप 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मेथी दाना डाल दीजिए। मेथी दाना हमेशा फर्मेंटेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि बेंगलोर का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा फर्मेंटेड होने के लिए टाइम लेता है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर मेथी डाल रही हूँ। अगर आप गर्मी एरिया में रहते हो तो आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप ही फर्मेंटेड हो जाता है। पर यहाँ पर मैं 1/2 जो स्पून है मेथी सीड्स यानी फेनुगरिक सीड्स डाल रही हूँ उड़द दाल के साथ। अभी पानी डाल के अच्छे से उसको मैं भिगो के रख दूंगी पूरा ओवरनाइट के लिए। और कल जब मैं उसको ब्लेंड करूंगी उसके साथ ऐड करूंगी 2 कप यहाँ पर रावा। रावा को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको 3 घंटे के लिए छोड़ देना है फर्मेंटेड होने के लिए। फर्मेंटेड होने के बाद जो है बैटर अच्छे से फूल जाता है और इडली आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो नेक्स्ट जो डे का क्लिप्स था मैंने मिस कर दिया है, और इसलिए मैंने आप लोगों के साथ रावा का जो क्वांटिटी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की पाई। तो इसे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट नेक्स्ट डे का था तो नेक्स्ट डे मेरा ब्लॉग जो है एंड हो गया था, तो इसकी वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से पानी डाल के यहाँ पर रखा है, और स्प्राउट बनाने के टाइम पर या मूंग दाल छीला बनाने के टाइम पर उस टाइम में मैं अच्छे से वाश करती हूँ। अभी मैं बिल्कुल भी अच्छे से वाश नहीं करूँगी, सिर्फ पानी डाल के उसको भिगो के रख दूंगी। तो हमेशा आजकल मैं डिनर करने के बाद 1/2 आवर के लिए या 45 मिनट्स के लिए रेस्ट ले लेती हूँ। कुछ भी काम वगैरह नहीं करती हूँ। मैंने सिर्फ अभी किचन को थोड़ा सा क्लीन करके आई हूँ। बर्तन को मैं कभी भी रात में आजकल नहीं क्लीन करती हूँ, क्योंकि बर्तन की वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो बहुत सारे कपड़े था वो धुल के रखा था 2-3 दिनों से, मैं बिल्कुल भी फोल्ड नहीं कर पाई थी। तो अभी बैठ के जो है टीवी देखते हुए ये फोल्ड कर रही हूँ। तो यही इजी एक काम होता है जो मैं बैठ के इजीली कर पाती हूँ। जब मैं तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं होता है तो इस काम में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये काम करना प्रिफर करती हूँ। बट जब मेरा जो तबीयत है वो ठीक रहता है, काफ़ी ज़्यादा मैं एनर्जेटिक रहती हूँ, तो ये काम सबसे मुझे बोरिंग लगता है। अगर आपको भी इस तरह से लगता है तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, क्योंकि कपड़े फोल्ड करना मेरा सबसे बोरिंग काम है। तो यहाँ पर बातें करते हुए कुछ कुछ करते हुए मैं यहाँ पर फोल्ड करूँगी, और उसके बाद फ्रेश होके थोड़ा सा ड्रेस फ्रेश चेंज करके मैं नाइट टाइम का जो स्किन केयर है वो करके सो जाऊँगी। बस यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जो डिनर रूटीन था और मेरा जो इवनिंग का 6 डे रूटीन था आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जो रेड कलर का बटन है। तो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ। अब के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।